अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले आज 15 अप्रैल दिन सोमवार हो, तो आज के हम दोस्तों बड़ी अपडेट्स लेने वाले। सबसे पहले फाइनली 69,000 कट ऑफ अंकों पर सरकार अपील करने जा रही है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर है कि 69,000 कट ऑफ पर सरकार फाइनली डबल बेंच जा रही है। दोस्तों इसका ये मतलब आप लोग समझ सकते हैं सबसे पहले कि चुनाव के माहौल में भी सरकार 60 और 65 के साथ खड़ी है। तो इस समय आप लोग को पता है दोस्तों चुनाव का माहौल चल रहा है और सरकार का 60-65 के प्रति समर्थन दोस्तों ये पूरी तरीके से दिखा रहा है कि सरकार कितना सीरियस है, किस योग्यता से, मतलब वो किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते। दोस्तों न्यूज़ सेफ जोन का मतलब दोस्तों अब ये होने वाला है कि काफ़ी बच्चों की डिमांड्स आ रही थी हमारे पास कि सर अगर 60-65 कट ऑफ हो जाता है तो क्या सेफ जोन होगा नए तरीके से। आप सर एक बार प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए कि नया सेफ जोन में क्या होगा, कितने बच्चे में हम पास होंगे, नौकरी मिलेगी, इसको समझेंगे। दोस्तों आज हम जनरल के लिए भी ओबीसी एससी और एसटी, तो कल दोस्तों हमने जैसे कि कल की वीडियो में बताया था कि जनरल के लिए जो नया सेफ जोन आएगा वो 65 अंकों के साथ, जो बच्चे नंबर लाएंगे जनरल में सिर्फ 65 गुणांक पर भी नौकरी बन जाएगी। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी अपडेट थी, कल काफ़ी बच्चों ने पूछा, उसके बाद ओबीसी एससी और एसटी के बच्चों ने हमें काफ़ी मैसेजेस किए कि सर हमारा भी सेफ जोन प्लीज़ बता दीजिए कि क्या होने वाला है अगर कट ऑफ 60 और 65 होती है तो। तो सबसे पहले दोस्तों जो बच्चे 60 और 65 के समर्थक हैं उनके लिए कुछ खबरी है, मतलब दोस्तों अगर जिन बच्चों के 90 या 90 से ऊपर नंबर आ रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में और 97 से ऊपर दोस्तों जनरल कैटेगरी में, तो वो इस समय खुश हो सकते हैं 97 या 97 से अधिक। और दोस्तों जो बच्चे बीच की उम्मीद लगा के बैठे तो उनके लिए थोड़ी सी सैड न्यूज है, तो बीच की उम्मीद दोस्तों होना अब लगभग तकरीबन काफ़ी मुश्किल हो चुका है, तो उनके लिए हम बोल सकते हैं सैड न्यूज है। लेकिन जो बच्चे 40-45 या तो 60 या 65 दोस्तों तीसरा कुछ नहीं आने वाला है। तो दोस्तों जो नई कट ऑफ बनेगी उसके भी हम सब कुछ समझेंगे, ओबीसी में कितना जाएगा, एससी में कितना जाएगा और एसटी में कितना जाएगा। सबसे पहले दोस्तों जो हमने लास्ट में बताया था आपको 40 और 45 के मैटर में, तो जो दोस्तों जो बनना था 40 और 45 कट ऑफ पर जो सेफ जोन आ रहा था आप लोगों के लिए, तो हमने बताया था कि जनरल के लिए जो सेफ जोन था वो 74 अंक हमने बताया था, ओबीसी के लिए दोस्तों हमने बताया था कि 65 से अधिक होना चाहिए, 65+ होना चाहिए, और सभी कैटेगरियों में हमने अलग अलग सेफ जोन बताई थी। तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे आज आपको, पहले जनरल थी दोस्तों आपके 74 के लिए, ओबीसी के लिए थी 64, उसके बाद दोस्तों हमने बताया था आपको एससी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो कम से कम आपको 60 अंक तो चाहिए होंगे नौकरी पाने के लिए, और एसटी से आप आते हैं दोस्तों तो आपको चाहिए होंगे 55 अंक। दोस्तों ये हमने आपको सेफ जोन एक्सप्लेन किया था इन चार अलग अलग कैटेगरियों की, कि हर कैटेगरी में किस हिसाब से सेफ जोन जाएगी। ये दोस्तों सेफ जोन था आपका 40 और 45 कट ऑफ पर, ठीक है, अगर आप 40 और 45 कट ऑफ थी तो ये सेफ जोन में आप नौकरी पाने के हकदार थे। लेकिन दोस्तों अब क्या होगा, अब उसको समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर जो नई कट ऑफ आएगी वो 60 और 65 के समर्थक में आती है, मान लेते 60 और 65 हो जाती है, क्योंकि सरकार काफ़ी स्योर लग रही है और सुप्रीम कोर्ट भी शिक्षा मित्रों के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी, उन्होंने भी टिप्पणी किया था कि शिक्षा जो है उसके साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो शिक्षा में क्या होगा दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही मामला फाइनल में जाएगा। देखिए बात क्या है कि अभी भले कहीं भी जाए लेकिन जो फाइनल डिसीजन देगा वो सुप्रीम कोर्ट देगा। डबल बेंच में दोस्तों किसी की भी जीत हो हार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डबल बेंच के बाद दोस्तों मामला सबको पता है सुप्रीम कोर्ट तो जाना है। जैसे दोस्तों अभी हाई कोर्ट के फैसले को कोई भी सीरियसनेस नहीं दे रहा है, रीजन यही है कि हम डबल बेंच जाने वाले तो हाई कोर्ट का फैसला से क्या मतलब है। तो क्या डबल बेंच को स्किप किया जा सकता है, क्या डबल बेंच हमें 2 दिन में फैसला सुना दे सकता है? दोस्तों सिर्फ डबल बेंच में पहले दिन यह फैसला आ जाए कि हाँ भाई हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, खत्म करो, क्योंकि हमको जानना तो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, सभी को पता है दोस्तों, हर एक बच्चे को पता है, छोटा छोटा बच्चा जानता है यूपी में या कहीं भी रहते हो कि जो फाइनल डिसीजन आता है वो सुप्रीम कोर्ट से ही आता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यहाँ ज़्यादा अहमियत होगी, वहाँ पर भी पूरी तरीके से फैसला चलेगा, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, तो दोस्तों एक दिन में इसका निपटारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि अपना देश वही है दोस्तों, जो कसाब जैसे आतंकवादियों के लिए महीनों महीनों केस चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात 4 लाख बच्चों की है, तो फैसला आने में भले समय लगेगा लेकिन हाँ पूरा जस्टिस मिलेगा दोस्तों, सभी को पूरी तरीके से न्याय मिलेगा, ठीक है दोस्तों, तो न्याय के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी खबर होगी आप बच्चों के लिए, जो बच्चे सोच रहे थे कि सर अब क्या होने वाला है क्या होने वाला है। तो दोस्तों चलिए एक बार आपको पहले कट ऑफ का एक्सप्लेन कर दिया जाए कि कट ऑफ कितनी आएगी जो नई आएगी। तो पहले दोस्तों मैं आपको जैसे बताया था ओबीसी के लिए बताया था 65 नंबर चाहिए थे 40 और 45 के कट ऑफ में। देखिए अंतर क्या से आएगा, किस बेसिक पर बात होती है, कि जो हमने बताया था दोस्तों आपको 40,000 से अधिक शिक्षा मित्र पहले पास हो जाते हैं 40 और 45 कट ऑफ में, दोस्तों जो आपके शिक्षा मित्रों की संख्या होगी पास होने वाले
उनकी संख्या होगी लगभग 40,000 से अधिक शिक्षा मित्र। लेकिन दोस्तों ये अगर कटाव 60 और 65 हो जाती है तो इनकी संख्या गिर के 4 से 5 हजार पर आ जाएगी दोस्तों। 4 से 5 हजार सिर्फ सोचिए, लगभग 35,000 दोस्तों, 35,000 सीट खाली हो सकती है। तो ये 35,000 सीट पर नौकरी कौन पाएगा? जो ये 35,000 सीट खाली होंगी दोस्तों, तो इस पर नौकरी कौन पाएगा? इस पर नौकरी तो सभी बच्चे ही पाएंगे। तो सिंपल सी बात है यार, सभी बच्चा बोल देगा हाँ कट ऑफ तो कम होगी, लेकिन कितनी कम होगी, कितने पर नौकरी मिलेगी? कम होना बड़ी बात नहीं होता दोस्तों, आपको नौकरी पाना वो बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पर किन बच्चों को कितने गुणांक के साथ नौकरी मिलेगी दोस्तों वो भी ज्यादा जरूरी है कि क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप 40 और 45 समर्थक हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपने भी पूरी तरीके से अभी केस हारा नहीं है, क्योंकि अभी मामला सिर्फ डबल बेंच में गया है। देखिए, कहने का मतलब इतना था कि सरकार अभी भी समर्थन कर रही है दोस्तों, लेकिन बदलाव आ सकता है। क्या सकता है? बदलाव आ सकता है अगर ये सरकार हारती है, ठीक है, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। तो अगर वो हारते हैं तो क्या होगा, ये भी तो सोचिए, क्योंकि जो आपका विपक्ष है पूरी तरीके से उन्होंने भी जताया था कि हम शिक्षा मित्रों के साथ हैं और उन्हें हम फिर से समायोजन करेंगे। तो दोस्तों ये भी बड़ी खबर है, अगर ये हारते हैं तो आपको भी फायदा मिलेगा, अगर ये जीतते हैं तो आपका नुकसान होगा। दोस्तों किसी के हार और किसी के जीत में दो तरह के बच्चों को, किसी को फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेफ जोन क्या है नई कट ऑफ के हिसाब से। जैसा कि हमने यहाँ से बताया आपको, 35,000 शिक्षा मित्र बाहर होंगे इस भर्ती में, तो 35,000 सीट दोस्तों खाली होंगे। तो दोस्तों जो नई सेफ जोन बनेगा आपका, वहाँ हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, फिर जो ओबीसी का सेफ जोन आ जाएगा वो 60 अंकों तक आ जाएगा, 60 गुणांक पर पाने वाले बच्चे आसानी से नौकरी पा सकेंगे। तो ये काफी बड़ी अपडेट है दोस्तों आप लोगों के लिए। और जो एससी कैटेगरी में था वो 55 अंकों के साथ आसानी से नौकरी पाएंगे, और एसटी वाले 50 भी कहिए दोस्तों, या तो एसटी में जो बच्चा सिर्फ पास भी हो जाएगा ना एसटी कैटेगरी से, उस बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। बस इतना समझ लीजिए, एसटी कैटेगरी में जो बच्चा पास भी होगा उसके नौकरी मिल जाएगी, अगर 60 और 65 कट ऑफ होती है तो। दोस्तों तो इस वीडियो को देख के काफी बच्चों के अंदर थोड़ा सा उत्साह आया होगा, उन्हें कुछ अच्छा लग रहा होगा कि हाँ यार अब लगता है उनकी जीत होने की उम्मीद काफी बढ़ गई है। देखिए, शिक्षा मित्रों का अभी भी नुकसान तो पूरी तरीके से नहीं हुआ, लेकिन हाँ उनके लिए जरूर नुकसान है, जो बच्चे पास नहीं हो पा रहे थे, कुछ और रीजनों से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ और भी बात करेंगे, क्या सच में 60 और 65 की जीत होगी या 40-45 की। देखिए दोस्तों, ये मामला भी ज्यादा जरूरी है, इस वीडियो के अंत में इस पर डिस्कस करना जरूरी समझा हमने, क्योंकि ऐसी बात है दोस्तों कि 40 और 45 के समर्थक जो है वो पूरी तरीके से निराश हो जाए कि अब हम हार चुके हैं, हम फेल हो चुके हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आपको कोर्ट का पहला थोड़ा प्रोसीजर समझाना पड़ता है, हमें समझाते हैं। देखिए, जो कोर्ट होता है वो लिखित रिटर्न तथ्यों पर बात करता है, ठीक है। आपके पास क्या क्या रिटर्न डाटा है, आप मुंह से कुछ भी बोलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पर। अगर आपके पास इन रिटर्न नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, तो आप की बात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी जायज क्यों ना हो, वो मतलब उसको सुना ही नहीं जाएगा दोस्तों, से कोई मतलब नहीं। कोर्ट में कुछ भी आप दलीलें देते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास रिटर्न डाटा, जिसके पास ज्यादा होगा उनके जीत होने की संभावना पूरी ज्यादा होती है। देखिए, आपकी सरकार ने किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन का जिक्र नहीं किया था कि 60 और 65 कट ऑफ आएगा, ठीक है। तो एक इनके पास डिसएडवांटेज ये है, जिसको डी से शो करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये बात सिर्फ योग्यता पर करते हैं, इस बार इन्हें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। अगर इन्होंने सिर्फ योग्यता की बात की तो भी आपके लिए डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि दोस्तों एकेडमिक सब कुछ जोड़ के नौकरी दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर योग्यता ये कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, यहाँ पर सबकी कट ऑफ बनती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि अगर आपने ज्यादा कट ऑफ लगाएंगे तभी आपको योग्य मिलेंगे। IIT या कहीं की भी कट ऑफ बनती है दोस्तों, तो वो बच्चों को हिसाब से देख कर रखी जाती है। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि यहाँ पर सिर्फ हमें 10 IIT लेने, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो बच्चे IIT करते हैं वही आगे जाते हैं, जो बच्चे नॉर्मल कॉलेज से भी पढ़ते हैं वो भी बहुत आगे जाते हैं। तो आपको एक एग्जांपल देते हैं, अभी मुंबई का रहने वाला एक इंजीनियर था बंदा, जो बंदा मतलब IIT से BTech नहीं किया था, उसको भी गूगल ने प्लेसमेंट दिया है। और गूगल का प्लेसमेंट आप लोग सोच के होश उड़ जाएंगे, 1.20 करोड़ रुपए का पैकेज है दोस्तों उसका, एक साल की इनकम है 1.2 करोड़, मतलब पर मंथ 10 लाख रुपए। तो दोस्तों कहने का मतलब इतना है कि अगर सरकार ने इस बार भी तथ्य बेफिजूल के रखे हैं जैसा पिछली बार रखा गया था, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आपके जो इस बार वकील होने चाहिए
वो अच्छे लेवल के होने चाहिए। सिर्फ सरकार के समर्थन से आप जीत नहीं सकते, वहाँ पर आपको अच्छा डाटा देना पड़ेगा, अच्छे तरह से केस को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप 60 और 65 कट ऑफ क्यों चाहते हैं, 40-45 में क्यों गलत है। क्योंकि दोस्तों, जो कि 40-45 कैसे जीत गए दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी बात थी कि 40-45 का भी इस कट ऑफ में किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं था इस नोटिफिकेशन में। जीता कैसे दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि हर वैकेंसी अलग होती है। वो 68,500 थी, ये 69,000 है। आने वाले समय में दोस्तों हो सकता है 12,000 वैकेंसी है या 5,000 है, लेकिन क्या हर बार कट ऑफ 40-45 होगी दोस्तों? ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफी बच्चों का दोस्तों नुकसान होता है। कोई भी कट ऑफ आने से हर तरह के बच्चों का नुकसान होता है। देखिए, अब बात आती है रिजल्ट कब जारी होगा। देखिए, रिजल्ट की भी बड़ी अपडेट लीजिए पहले। अगर दोस्तों, अगर कल के कल या इस हफ्ते रिजल्ट जारी होता है, जैसा कि उम्मीद है कि जारी हो जाएगा, क्योंकि अभी से तक डबल बेंच से कोई स्टे नहीं मिला है। अगर सरकार जाती है, स्टे ले लेती है, तो बात अलग है कि रिजल्ट जारी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगर रिजल्ट जारी होता तो किसको फायदा किसको नुकसान? देखिए, अगर 40-45 के पक्ष में रिजल्ट जारी होता है दोस्तों, फिर इतना आसान नहीं होने वाला, ये बात भी समझ लीजिए। 40-45 के पक्ष में रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ चेंज कराना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, रिजल्ट पर स्टे पाते ही सरकार की पहली जीत होगी, और दूसरी जीत दोस्तों तब होगी जब वो जस्टिफाई कर पाएंगे कि वो 60-65 क्यों कट ऑफ लगाना चाहते हैं। क्योंकि आपके तथ्य काफ़ी अच्छे होने चाहिए, तर्क और तथ्य, कहाँ से आपने लाया डाटा, कहाँ से लाया है। ऐसा तो नहीं जैसे दोस्तों यूपी टेट में काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए थे, सुपर टेट में 142 क्वेश्चन चैलेंज हुए हैं। आप लोग को दोस्तों पता होगा कि सुपर टेट का जो आपका पेपर हुआ था, उसमें 142 प्रश्नों पर चैलेंज किया गया। मतलब सभी बच्चों को ऐसा लगता है, 4,10,000 बच्चे जो जिन्होंने पेपर दिया था, उनको ऐसा लगता है कि 4,10,000 दोस्तों, ठीक है, बच्चों को ऐसा लगता है कि 142 प्रश्न जो हैं वो गलत हैं। 150 में 142 प्रश्न गलत लगते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर कितने बनाए दोस्तों, ये भी एक सवाल है। सबको पता है दोस्तों कि 142 क्वेश्चन तो गलत नहीं होंगे, लेकिन हाँ, काफ़ी क्वेश्चन तो गलत है। अगर एक भी क्वेश्चन गलत है तो इसका सीधे सीधा जिम्मेदारी उनकी होती है जिन्होंने पेपर सेट किया है। तो दोस्तों, इसीलिए काफ़ी फंसते हुए दिखेंगे। तो अब इंटरेस्टिंग होगा कि कौन जीतेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों पक्ष काफ़ी मजबूत हैं, तो सरकार वर्सेस एक नॉर्मल इंसान से फाइट है। तो देखते हैं किसकी जीत होती है। और शिक्षा मित्र भी दोस्तों एक चीज़ और बता दें, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और वो भी काफ़ी नाराज़ हैं कि जल्द से जल्द वैकेंसी पूरी की जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में अगर 60-65 की जीत होगी तो उन्हें भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहिए चैनल में, और भी अपडेट्स आते रहेंगे आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो आप लोग के जितने भी सवाल आएंगे उसका रिप्लाई इस चैनल के माध्यम से जल्द किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।